दुआएं मांगी जा रही हैं। आपकी नैब में पेशी है क्या? ओह, तो आप सर जासिम के लिए दुआ मांग रहे हैं। तुमने कभी किसी के लिए दुआ मांगी? हाँ, एक बार। क्या दुआ मांगी? एग्जाम की तैयारी नहीं की थी तो दुआ मांगी थी कि प्रोफेसर जाकिर का पेट खराब हो जाए। तो फिर दुआ कबूल हुई? आज तक मैदे के मरीज हैं वो। चलो फिर दुआ करो कि एएसपी साहब इंक्वायरी में बच जाए। नई शर्ट लेके दूंगी। वाकई? हाँ। पक्का? बोल दिया ना, मुकर तो नहीं जाएंगी। इंक्वायरी कमेटी का फैसला आ चुका है। एएसपी जासिम ताहिर इस इंक्वायरी में साफ बच गए हैं। एसएचओ औरंगजेब ने इकबाल जुर्म कर लिया है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन से असलहा निकालकर फहीम कोबरा को दिया था। एसएचओ औरंगजेब को मुअत्तल कर दिया गया है और उनको 3 साल की कैद सुनाई गई है। एक बार फिर आपको बताते चलें कि इंक्वायरी कमेटी का फैसला आ चुका है। फहीम कोबरा के खिलाफ जितने भी केसेस थे उनको दोबारा खोल दिया गया है। अरे वाह भाई चश्माटू, तुम्हारी जबान तो बहुत काली निकली। सर जासिम पे कोई चार्ज नहीं लगा? सिर्फ काली नहीं, मुबारक जबान के अंदर। होमी, नई शर्ट जो आपने दिलाने का वादा किया था? इसी को धोकर पहन लो, नहीं हो जाएगी। ये चीटिंग है। इसे चीटिंग नहीं कहते चश्माटू, इसे दिमाग की समझदारी कहते। तो मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है? हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन।